गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने चैप्टर 11 सवैये पढ़ना शुरू किया था। फर्स्ट सेकंड सवैया हमने पढ़ा, साथ साथ ही उसका हमने अर्थ भी देखा। आज हम थर्ड सवैया पढ़ेंगे। मोर पखा सिर ऊपर रखूंगी, गुंज की माल गरे पहरूंगी, ओढ़ी पीतंबर ले लखोटी बन, गोधन ग्वारनी संग फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग स्वांग करूंगी। यह मुरली मुरली धर की, अधरान धरो अधरान धरूंगी। चलिए देखते हैं इसका अर्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान जी कह रहे हैं कि गोपियां कृष्ण को रिझाने के लिए कृष्ण का रूप धारण करेगी। गोपी अपनी सखी से कहती है कि वह कृष्ण की तरह सिर पर मोर का पंख धारण करेगी, कृष्ण की समान कुंजों की माला पहनूंगी, कृष्ण के जैसे पीले वस्त्र धारण करूंगी और हाथ में लखुटी मिस लाठी लेकर वृंदावन में ग्वालों के साथ इधर उधर घूमूंगी। रसखान जी कहते हैं कि गोपी अपनी सखी से कहती है कि कृष्ण को रिझाने के लिए वह सभी रूप धारण करेंगी, किंतु कृष्ण की मुरली को वह धारण नहीं करेगी। तीसरे सवैये में कृष्ण के मनमोहक रूप का सौंदर्य का वर्णन किया गया है। रसखान जी ने कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है। चलिए अब चौथा सवैया पढ़ते हैं।